नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपका आपके अपने चैनल एस्ट्रो इनवाइट पर। तुला राशि अप्रैल 2019 सफलता के वह कौन से संकेत हैं जो ईश्वर आपको देने वाले हैं, विस्तार से जानते हैं। तो यह 5 संकेत आपके जीवन की दशा और दिशा बदल सकते हैं। और आप सभी नए पुराने दर्शकों का स्वागत और अभिनंदन। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें ताकि आपको लाभ प्राप्त हो सके, सभी वीडियो वक्त से आपको मिल सके। हर महीने में ग्रह व ईश्वर हमें सफलता के कुछ संकेत देते हैं। ग्रहों के माध्यम से हम उनको जब जब समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में खुशियाँ आती हैं, और जब हम समझ नहीं पाते हैं तो एक सुनहरा अवसर हम गंवा चुके होते हैं। अप्रैल 2019 में वह कौन से शुभ संकेत हैं जो ग्रह हमें दे रहे हैं, इस वीडियो में हम जानेंगे। और यह जानकारी जो है चंद्र राशि पर आधारित है, आप इसे चंद्र राशि या लग्न राशि से देखकर लाभ उठा सकते हैं। संकेत नंबर 1, देव गुरु बृहस्पति 23 अप्रैल से महीने के अंत तक द्वितीय भाव में मंगल की राशि वृश्चिक में गोचर करेंगे और गुरु आपको विनम्र बनाएंगे। आपके अंदर बल, साहस और बुद्धि की कमी नहीं होगी। आप अपनी बुद्धि से, अपने बाहुबल से मान सम्मान व आदर को कमाएंगे। आपकी वाणी मधुर होगी। वाणी मधुर होने के साथ साथ आप लोगों से अपनी वाणी के बल पर बड़े बड़े काम आसानी से करवा लेंगे। आपका व्यापार बहुत अच्छा चलेगा। नौकरी में भी लाभ होगा। शत्रुओं पर विजयी होंगे। धन लाभ की पूर्ण संभावनाएं दिखाई पड़ती हैं इन तारीखों में। संकेत नंबर 2, बुध और शुक्र एक साथ 10 अप्रैल तक आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बुध शुक्र की युति पंचम भाव में आपको धनवान बनाएगी। आपको उत्तम संतान का सुख प्राप्त होगा। आप कम मेहनत में भी अधिक सफलता प्राप्त कर लेंगे। इस समय में यदि आप अविवाहित हैं तो विवाह के अच्छे प्रस्ताव आएंगे। आपके विवाह संबंधों में चली आ रही कोई परेशानी थी तो वह समाप्त होगी। जिनका विवाह हो गया है उनका समय भी बहुत बेहतरीन बीतेगा अपने साथी के साथ। और आपके पास किसी भी प्रकार से जमीन, भूमि, धन, शिक्षा की कमी नहीं होगी। यदि आप टीवी, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो आपको बहुत लाभ होगा। फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हैं, होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो लाभ होगा। इस समय में आप बहुत विद्वान होंगे, प्रतिभाशाली होंगे। यह समय बढ़िया है। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। संकेत नंबर 3, शुक्र 15 अप्रैल से अपनी उच्च राशि मीन में प्रवेश करेंगे और छठे भाव में रहेंगे, और छठे भाव का शुक्र आपको बढ़िया फल प्रदान करेगा। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। आपकी शिक्षा बढ़िया होगी। आपकी संतान आपके साथ होगी। आपका नाम रोशन करेगी। शुक्र आपको अधिकतर मामलों में भाग्यशाली बनाएंगे। संकेत नंबर 4, सूर्य 14 अप्रैल से महीने के अंत तक सप्तम भाव में मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। आपको विशेष सफलता मिलेगी। सरकारी पदों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। सरकारी नौकरी में, प्राइवेट नौकरी में आप सफल रहेंगे। आपका जीवन साथी का स्वभाव थोड़ा शर्मीला हो सकता है, जिस वजह से शायद आपका वैचारिक मतभेद बना रहे तो उसको दूर करिएगा, अन्यथा कुछ वैवाहिक जीवन में संकट आ सकते हैं। जीवन के अन्य मामलों में आप सफल रहेंगे। सूर्य आपको बहुत सफलता देने वाले हैं। आपकी संतान को भी सफलता मिलने वाली है। पिता पुत्र के रिश्तों में कुछ विरोधाभास देखने को मिल सकता है, लेकिन अंत में यह विरोधाभास समाप्त होकर सब कुछ खुशी के माहौल में बदल जाएगा। संकेत नंबर 5, राहु उच्च के होकर नवम भाव में गोचर करेंगे। राहु आपको मेहनती व विद्वान बनाएंगे। आपका मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपने काम से लोगों को प्रभावित करेंगे, आश्चर्यचकित कर देंगे। लोगों को आपसे उम्मीद नहीं होगी कि आप ऐसा भी कर सकते हैं, यानी सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आप अपने हर काम पूरा करेंगे। आपके संबंध घर में, घर के बाहर, या मित्रों से, या ऑफिस में, या व्यापार में जो आपके साथ काम करते हैं, सभी के साथ बहुत बढ़िया रहेंगे। परिवार एकजुट होगा। परिवार की खुशियों के लिए आप काम करेंगे। घूमने फिरने के अनेक अवसर आपको प्राप्त होंगे। भाग्य का साथ मिलेगा। आपको काम, दाम, दंड, भेद सभी प्रकार से आप लाभ कमाने के लिए प्रयास करेंगे। कोई भी अवसर आप छोड़ेंगे नहीं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। आप बहुत चालाकी से अपने सभी काम पूरे कर लेंगे। आपको तीर्थ यात्रा के अवसर भी प्राप्त होंगे। राहु का उच्च होकर भाग्य स्थान में बैठना आपके लिए शुभ रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह 5 संकेत बहुत ज़्यादा लाभ देके जाएंगे। आप सभी लोग खुश रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और आपके जीवन में ऐसे ही खुशियाँ बरसती रहें। हरिओम, नमस्कार।